आपने अक्सर ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें फोन ब्लास्ट हो जाता है या फोन में आग लग जाती है, और ये मेजरली तब होता है जब फोन चार्जिंग पे लगा होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, उसका रीजन यही है कि कभी कभी ना हम अपने फोन को ठीक तरीके से चार्ज नहीं करते हैं, और सिर्फ फोन ही नहीं, इसका मेन रीजन होता है आपका चार्जर। तो अगर आप अपने फोन को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने चार्जर का सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो बहुत से केसेस में ये भी देखा गया है कि चार्जर में ब्लास्ट होने की वजह से फोन खराब हो जाता है या फोन में भी ब्लास्ट हो जाता है। तो चार्जर में ब्लास्ट होने के तीन बड़ी वजह है। एक, आपके चार्जर की क्वालिटी क्या है, चार्जर को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और चार्जर का लाइफ स्पैन क्या है। सो बहुत से लोग हैं जो इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि एक चार्जर की लाइफ कितनी होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एक हाई क्वालिटी वाला चार्जर इस्तेमाल करते हैं तो उसका लाइफ स्पैन 2 से 3 साल तक के लिए होता है। तो अब मान लीजिए अगर आप 4 से 5 साल के लिए फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और 2 से 3 साल तक आप एक ही चार्जर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में कोशिश करें कि आप अपने चार्जर को रिप्लेस कर लें। वहीं अगर आप एक लो क्वालिटी या फिर कोई बिना ब्रांड वाले चार्जर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका स्पैन 1 साल से ज़्यादा का नहीं होता है। तो जितने भी ये केसेस सामने आते हैं कि चार्जर ब्लास्ट हो गया है, चार्जर में आग लग गई है, तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि हम उस चार्जर का ओवर यूज़ कर लेते हैं, मतलब जितनी उसकी लाइफ है उससे ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा दिया कि चार्जर का लाइफ स्पैन कितना होता है। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी नॉर्मल चार्जर का इस्तेमाल करें और आपको नहीं पता है कि इस चार्जर का लाइफ स्पैन कितना हो सकता है या वो चार्जर ठीक है या नहीं, तो उसमें ना कुछ साइंस है जिसके ज़रिए आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका चार्जर ठीक नहीं है। जैसे अगर आपका फ़ोन की जो चार्जिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, तो उसका एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आपके चार्जर का लाइफ स्पैन पूरा हो चुका है। और जो दूसरा बड़ा रीज़न है, जैसे कभी हम अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं तो आप देखेंगे आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवरहीट करने लगता है, तो ये भी एक बड़ा कॉज हो सकता है कि आपका चार्जर पुराना हो गया है, और सही टाइम पर आपको अपने फ़ोन का चार्जर बदल लेना चाहिए, रिप्लेस कर सकते हैं या फिर आप एक नया चार्जर खरीद सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक यूज़फुल टिप ये देना चाहती हूँ कि जिस ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कोशिश करें कि उसी ब्रांड का चार्जर आप यूज़ करें, क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनका चार्जर टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो कोई लोकल चार्जर खरीद लेते हैं, सस्ता चार्जर खरीद लेते हैं और उससे अपने फ़ोन को चार्ज करने लगते हैं। तो इसकी वजह से ना आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस पर बहुत इम्पैक्ट आता है, आपका फ़ोन जल्दी ख़राब हो सकता है, आपके फ़ोन की बैटरी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि आप अपने चार्जर को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं और ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। तो मुझे लगता है ये सारे टिप्स ना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई एक फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, और जब भी आप चार्जर यूज़ करते हैं तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो अपने आसपास जितने भी लोग हैं ना, आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स, जो इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं कि चार्जर कितना पुराना है या चार्जर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, या आपके आसपास ऐसे केसेस आपको सुनाई दे रहे हैं कि भाई हमारा फ़ोन ब्लास्ट हो गया है या फ़ोन में आग लग गई है, तो उन लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, आपको लगता है उससे रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।